सिंह साहब ने बोला डीमिलिट्राइजेशन करने का फैसला कर दिया, लगभग कर दिया था। श्याम शरण साहब ये प्रपोजल लेके गए, डिसएंगेजमेंट, he said disengagement, ask him, he said disengagement, उन्होंने disengagement बोला, आप पूछिए उनसे, उन्होंने disengagement बोला, we'll correct him, सम्मानित army chief है, he said disengagement, he said disengagement, I will just come back and ask one point, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी government थी, वो नवाज शरीफ के बुलावे पर लाहौर भी गए थे, उन्होंने मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए भी बुलाया था, उन्होंने ये प्रपोजल जंक नहीं किया था, ये प्रपोजल 80 से चल रहा था, उन्होंने कैंसिल नहीं किया था, ये प्रपोजल अंतोगत्वा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने ही कैंसिल किया था। तो सवाल यह है कि कैंसिल हमारी गवर्नमेंट ने किया, सियाचिन को प्रभु I'm sorry, अजय लोग आपके पास काफी देर बाद आ रहा हूं, मेक यू पॉइंट। ये ना कि किसी पेपर ने क्यों नहीं कवर करी है स्टोरी। अमेश, आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून है, आज ही की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और तय किया गया था कि जो एक परिवार चाहेगा वही ये देश करेगा। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पे डिबेट करनी चाहिए कि चीन हमारे सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी अब। तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आश्याम इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के तेवरों में, कोई कमी नहीं है। सरकार को मत पूछिएगा सवाल भाई, साफ बात है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए आप महिला हैं तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है सुन लीजिए अपने बारे में बोलिए। महिला बोलना आप लोग छोड़ दीजिए, सवालों पे इतनी तीखी मिर्च लगती है तो जवाब कहां से निकलेगा, ये पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको, आपको क्या बोला है, सुपर वुमन बुलाए, महिला महिला नहीं बुलाए तो आप कुछ सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान तो लीजिए, आप अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ, आप अपनी बात बोलिए, ठीक है अपनी बात बोलो, बीच में मत बोलिए कृपया करके, पॉलिटिकल पार्टीज कृपया करके, कोई आपके साथ सारे के साथ अभद्रता आप कर रही है, सबके साथ अभद्रता आप कर रही है, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो, इसलिए कृपया करके शांत रहे जरा। अच्छा, जब आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि 90 लाख रुपया आपने लिया या नहीं, तो ये तो लिया तो है क्योंकि बैंक ट्रांजेक्शन से आया है, आपसे पूछा जा रहा है परमिशन ली कि नहीं उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं, जाकिर हुसैन फाउंडेशन से आपने पैसे लिए कि नहीं उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं, चलिए किसी चीज के लिए माफी मत मांगिए, इमरजेंसी के लिए माफी मांग लीजिए, आज से इमरजेंसी की बरसी है ना, आज रात में 12 बजे इमरजेंसी लगाई थी गांधी परिवार ने, ये तो याद होगा आपको, उसी के लिए माफी मांग लीजिए, कितनी बार माफी मांगिएगा, कांग्रेस पार्टी माफी मांग मांग के थक जाएगी, आपके अपने कृत्य निकल निकल के आते हैं। और ये जो जनरल साहब बोल रहे थे जेके सिन्हा जी, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है किताब में, और इस किताब का विमोचन भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं था कि क्या लिख दिया गया किताब में, अब बोलिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी झूठ बोल रहे थे, कोई भी आदमी विमोचन करने से पहले वो किताब का पढ़ता है ना, उसका प्रीफेक्स अपनी टेक्स्ट, तो ये जिस किताब की चर्चा हो रही है श्याम शरण जी की, इसका विमोचन मनमोहन सिंह जी ने किया था, जाके ये भी पता कर लीजिए, अब बोलिए मनमोहन सिंह भी झूठ बोल रहे हैं, अभी तो आपने जनरल साहब को सीधा झूठा बता दिया कि उन्होंने डीमिलिटराइजेशन नहीं डिसएंगेजमेंट की बात की, लोगों को तो कम से कम अपने फैक्ट्स चेक करके आया कीजिए, अब फिर आप बीच में बोलने लगी, फिर बीच में बोलने लगी, डिबेट का शीर्षक उसी पे है ना, जिस पे शीर्षक है उसी पे डिबेट रखिएगा, इतना तो एडिटर को कम से कम सम्मान दीजिए कि उसका एडिटोरियल क्या होगा ये हम ना तय करें वही तय करें। जहां तक चीन की रही बात, पूरा देश पूरा विश्व जान रहा है कि 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई, चीन वापस भी लौट रहा है, आपको सेना के मेजर पे यकीन नहीं है, सेना अध्यक्ष पे यकीन नहीं है, प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं है, मैंने कहा ना राहुल गांधी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो चुकी है, मैं 3 दिन से कह रहा हूं, आपने राफेल के समय राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी रट लगाई चुनाव के 2 महीने पहले से, नतीजा हुआ 52 पे सिमट गए, अब आप चीन पर रट लगा रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई, जमीन कब्जाई, जमीन कब्जाई, कोई कब्जा नहीं हुआ मैडम, माफी मांग लीजिए, देश से माफी मांगिए इमरजेंसी के लिए, और जरा कृपया करके दस्तावेज दीजिए कि 50 लाख रुपए जाकिर फाउंडेशन और 50 लाख रुपए चीनियों से किस आधार पे लिए, बस मुझे और कुछ नहीं कहना, बोलिए बाबा जाकिर नायक।